बात करते हैं अगली खबर की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से एक दिन पहले इस्तीफा देने की बात आज भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कार्यकर्ता निर्माण बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं, उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। गौरी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों के आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। मैं कई ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य है, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी है, इनसे जो स्वतः ही इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में लेने वाले। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जो जिस कारण में राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव जाए वो मैं नहीं जानता। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है और मुझे, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत राव जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशवंत आर्य सज्जन आदमी है। पर एक सोच जो है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।